अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे। और ये व्लॉग हमारा स्टार्ट हो रहा है आज मॉर्निंग से। यहाँ पे मैं अपने लिए बना रही हूँ ये प्लेन पराठा। ये भी इम्तियाज़ से ही लेकर आए थे। तो वैसे तो मैं नॉर्मली रेगुलर जो है स्लाइस वगैरह खाती हूँ, पराठा बिल्कुल भी नहीं खाती, लेकिन ये लेकर आ गए थे तो मैंने सोचा कि मैं ट्राई कर लेती हूँ, खा लेती हूँ। और ये देखें, यहाँ पे हमारी चाय प्रिपेयर हो रही है। और वाकई ये बहुत अच्छा था टेस्ट मेरा पराठा। अपनी एक और जो है क्यूट स्टूडेंट से मिलवाती हूँ। देखिए ट्यूशन पढ़ने आई हो ना? किसके पास? मम्मा के पास जाना है। अच्छा, तो ये आपने क्या पहना हुआ? अच्छा ये बताओ, ये आपने क्या पहना हुआ? इसे क्या कहते हैं? ये तो इतनी प्यारी लग रही है। फबिया क्या पहना हुआ आपने? ये बताइए फबिया। फबिया बताइए, आज नहीं बताओगी आप क्या पहना हुआ आपने? फबिया आप खेल रही हैं? क्या खेल रही हो आप? पढ़ने नहीं आई हो आप, खेलने आई हो? हम टॉयज खेल रहे हैं। और टॉयज चाहिए आपको? सारे टॉयज। सारे टॉयज चाहिए? अब तो नहीं रोगी ना? नहीं। गुड गर्ल हो ना? बोले यस। यहाँ पे देखें, ये चुप हो चुकी थी बिल्कुल टॉयज देखकर। और यहाँ पे देखें, ये बच्चों ने कहा कि हमें चिप्स खानी है, तो मैं यहाँ पे फ्राइज फ्राई कर रही हूँ बच्चों के लिए। ये देखें, यहाँ पे ये फ्राइज रेडी हो चुकी हैं। और अब यहाँ बन रहे हैं पकोड़े मेरे लिए और इनके लिए। बच्चों ने तो फ्राइज खा ली थी, तो हमें भी भूख लग रही थी, तो हमने सोचा हम भी अपने लिए कुछ बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है बेसन में पानी ऐड किया, ये अनियन और ग्रीन चिली जो है हमने इसमें ऐड कर दी। फिर इसमें हमने कुटी हुई मिर्चें और साबुत धनिया ऐड किया एंड सॉल्ट टू टेस्ट। नमक हमने अपने हिसाब से इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पे अभी आ चुके हैं किचन में। वैसे ही नॉर्मली आते नहीं हैं, लेकिन आज इनको पता नहीं क्या हुआ था, कह रहे थे लाए मैं फ्राई करता हूँ, तो मैंने कहा चले ठीक है आप कर लें। तो इन्होंने तो बड़े अच्छे पकौड़े फ्राई किए थे, हल्के आंच पे फ्राई किए थे और बहुत मज़े का टेस्ट था। तो मैं इनसे यही कह रही थी कि क्रेडिट किसको जाता है, सारे इंग्रेडिएंट्स तो मैंने डाले इसमें, तो ये कहने लगे नहीं फ्राई करने वाले को क्रेडिट जाता है। यहाँ पे देखें हमारे पकोड़े रेडी हो चुके हैं। और वाकई ये सही कह रहे थे, मैं थोड़ी सी तेज़ आंच पे फ्राई करती हूँ, लेकिन इन्होंने बहुत लाइट आंच पे फ्राई करा था, तो टेस्ट भी थोड़ा डिफरेंट था इसका और अच्छे बने हुए थे बहुत। और यहाँ पे देखें आरिस नाराज़ हुए हैं, आरिस के जो है वो पैरोट्स इनसे बातें नहीं कर रहे। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, मेरा ब्लॉग पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं हम अपने नए ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।